एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज की हमारी रेसिपी रोटी से बनने वाली है, यानी कि बची हुई रोटी से आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही नई रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए बची हुई रोटी लिए है 4 से 5, यानी कि मैंने सुबह में रोटी बनाई थी और मैं शाम को ये रेसिपी बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये रोटी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि बहुत ही स्पेशल है। आप जब भी आटा गूंथें तो आप उसमें 2-3 टेबल स्पून दूध ऐड कर सकते हैं। रोटियाँ बहुत नरम रहेंगी बहुत देर तक। या फिर आप जिस बर्तन में रोटी रखते हैं उसमें आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील कर रख के रख दें, आपकी रोटियाँ लंबे समय तक सॉफ्ट बन के रहेंगी। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब में ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 3-4 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के लिया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप कम डालें। इनको बारीक काट के डाल देंगे हम और इसके साथ में ही भून लेंगे थोड़ी देर तक। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इनको, थोड़ी देर तक हम इनको मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब में प्याज लिया है, बारीक काट के लिया है। और बाकी बचा हुआ प्याज हम रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। तो हम इनको अब मिला लेते हैं और हल्का सा सुनहरा होने तक भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक प्याज को भी नहीं भूनना है। आप देख सकते हैं मिर्ची अभी भी हरी है। तो आप देखिए प्याज को भी मैंने हल्का सा सुनहरा कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हुई हैं। उबले हुए मटर लिए हैं थोड़े से, गाजर है बारीक कटी हुई, और बारीक कटी हुई ये बीन्स है। थोड़ी सी गोभी ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। सब्जियाँ आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, उनको डाल देंगे। और इनको हम थोड़ी देर तक मिला लेंगे अच्छे तरीके से। और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इनको हल्का हल्का भुनना है। हमें इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको हमें 80% तक कुक कर लेना है सब्जियों को। तो हम इनको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर कुक करेंगे लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट तक कुक करने के बाद ये सब्जियाँ अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं। ये देखिए अच्छे से दबाने से ही अच्छे से दब रहा है, ओवर कुक नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं सबसे पहले डालूंगी अदरक लहसुन को, मैंने ग्रेट करके लिया है, वो हम डाल देंगे। 3-4 लहसुन और 1/2 इंच अदरक को ग्रेट करके डाला है। 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/3 टीस्पून के करीब में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। 1/3 टीस्पून के करीब में हम डाल देंगे गर्म मसाला पाउडर। 1/3 टीस्पून के करीब में ही डाल देंगे हम आमचूर पाउडर, इससे बहुत ही चटपटा स्वाद आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू को मैश करके लिया है, उनको हम इसमें डाल देंगे। और इन सारे मसालों के साथ मिलाकर अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है आलू के साथ में। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब में सेजवान चटनी, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते या फिर आपके पास नहीं है तो आप रेड सॉस या फिर चिली सॉस डाल सकते हैं। और हमने इनको मिला करके एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ जो प्याज हमने बचा के रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हल्का सा कच्चा प्याज का जो टेस्ट है ना वो इसमें रहने देंगे क्रिस्पीपन के लिए। और इनको हम मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें पनीर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा और टेस्टी हो जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। तो हमने इनको ठंडा कर लिया है स्टफिंग को। और अब हमने जो रोटी लिया था उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं बीच से एक बार फोल्ड करें, इस तरीके से समोसे के जैसा हो जाना चाहिए। और अब हमने ये दोनों जगह पे स्टफिंग भरनी है, यानी कि जो दोनों खाली जगह है वहाँ पे स्टफिंग भरनी है। अच्छे तरीके से दबा दबा के भर लेना है स्टफिंग, ताकि कोई भी कोना खाली ना रहे। और अब हमने इस वाले कोन में भी भर लेना है, यानी कि दोनों साइड भरना है हमें। थोड़ा सा जगह में मुझे आलू कम लग रहा है एक साइड, तो हम इसमें थोड़ी सी और स्टफिंग भर लेंगे। ये देखिए अच्छे से भर लें और इनको दबा लें थोड़ा सा, ताकि अच्छे से चिपक जाए। इसी तरीके से सारे हम रोटियों से बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। अब हमने एक पैन को गर्म होने रख दिया है और पैन पे हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब में तेल।
आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हम इन तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पैन पे। अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा काली सरसों यानी कि राई मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर है चुटकियों से मैं इस पर 2-3 चुटकी के करीब मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। और ये जो रोटी हमने बना के रखी थी ना, वो इनको इस तरीके से हमने सारी रोटियों को रख लेना है। और एक साइड अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद हम इनको टर्न करेंगे, तो फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। और अब हम इनको टर्न करेंगे क्योंकि एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इनको टर्न कर लेते हैं और दूसरे साइड भी बढ़िया से क्रिस्पी कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया, ये कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, हल्का सा बेसन में इनको लपेट ले और उसके बाद छान ले, उससे भी बहुत टेस्टी होगा। तो बिल्कुल तैयार है ये बनके, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको एक बार खाने के बाद से सैंडविच और समोसे खाना भी भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो जब भी आपको भूख लगे या जब भी रोटी बच जाए तो ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नायलॉन सेव इस तरीके से लगा लें, जिससे कि इसका लुक भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा इस तरीके से। तो मैंने सेब को इस तरीके से लगा लिया है सब में, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो आपको जब भी मन करे या जब भी रोटियां बच जाए तो आप उन्हें फेंकने के बजाय इस तरीके से आप इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप इसको चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी या फिर बिना किसी चीज़ के भी इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। तो ज़रूर लिख के बताइएगा कैसी लगी। ढेर सारी नई नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलती हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ। बाय।